हेलो गाइस, आज का ये वीडियो जो है जेंडर टॉपिक को लेकर है। ये जेंडर टॉपिक का चौथा वीडियो है जिसमें हम लोग स्पेशल रूल को कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग सीधे टॉपिक पर आते हैं। जैसा कि इससे पहले जो है हम लोग रूल नंबर 7 तक पढ़ चुके थे, आज जो है रूल नंबर 8 को पढ़ेंगे। तो रूल नंबर 8 में है एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग का प्रयोग इनडिफिनिट प्रोनाउंस के रूप में होता है। ये न्यूट्रल जेंडर के प्रोनाउंस है, इनके लिए न्यूट्रल जेंडर के सिंगुलर प्रोनाउंस जैसे इट, इट्स, इटसेल्फ का प्रयोग होता है। जैसे हम लोग समझते हैं, जैसे यहाँ एवरीथिंग है, समथिंग है, एनीथिंग है और नथिंग है, ये सब जहाँ पर भी अगर आता है, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, न्यूट्रल जेंडर के प्रोनाउंस होते हैं। और इनके लिए जो है न्यूट्रल जेंडर के सिंगुलर प्रोनाउंस जैसे इट, इट्स, इटसेल्फ, ये सब का जो है प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर जो है दो सेंटेंस लिए हैं हम लोग। पहला जो है एवरीथिंग शुड बी केप्ट इन इट्स ऑर्डर, और दूसरा जो है एवरीथिंग शुड बी केप्ट इन इट्स ऑर्डर। तो इसमें जो है पहला वाला सेंटेंस में जो है इट्स का प्रयोग किया गया है और दूसरा वाला सेंटेंस में जो है हिज का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो है एवरीथिंग के साथ जो है किसका प्रयोग किया जाता है, इट्स का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये क्या है, सही है। अगर हम इट्स के जगह में हिज का प्रयोग कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अब हम लोग रूल नंबर 9 की ओर चलते हैं। रूल नंबर 9 में है लोअर एनिमल्स, छोटे प्राणियों तथा नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तुओं के लिए न्यूट्रल जेंडर के प्रोनाउंस इट, इट्स, इटसेल्फ का प्रयोग होता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं। जैसे यहाँ पर ही हैज़ किल्ड ए स्नेक, इट इज स्टिल लेइंग ऑन द रोड। यहाँ पर एक स्नेक का प्रयोग किया गया है और ये स्नेक क्या है, तुच्छ प्राणी है, छोटे जीव है, लोअर एनिमल्स है, तो इसीलिए जो है यहाँ पर इट का प्रयोग किया गया है। और यह इस तरीके से यह सेंटेंस जो है क्या है, सही है। अगर इसी के जगह में अगर हम ही का प्रयोग कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, गलत हो जाता है। अब हम लोग रूल नंबर 10 को समझते हैं। रूल नंबर 10 में है कुछ ऐसे नाउंस हैं जिनका प्रयोग कॉमन जेंडर के नाउंस के रूप में होता है। जैसे कि यहाँ पर कुछ नाउंस जो है इंडिकेट किया गया है, जैसे एडवोकेट, असिस्टेंस, कजिन, क्लर्क, क्लाइंट, डांसर, डॉक्टर, नॉवलिस्ट, प्रोफेसर, पुपिल, सिंगर, वर्कर, राइटर, टीचर, पॉलिटिशियन, सर्वेंट, टाइपिस्ट, म्यूजिशियन, मैकेनिक, लेक्चरर, लीडर, लॉयर, गेस्ट, फ्रेंड्स, फूल, इंजीनियर, हेल्पर, ईटीसी। ये सारे ऐसे नाउंस हैं जो कि कॉमन जेंडर के रूप में जो है प्रयोग किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग सेंटेंस के रूप में समझते हैं, ही इज़ माई डॉक्टर। तो यहाँ पर ही के साथ भी जो है डॉक्टर का ही प्रयोग किया गया है। ये मैस्कुलिन जेंडर के रूप में, EMG मतलब मैस्कुलिन जेंडर के रूप में प्रयोग किया गया है। और यहाँ नीचे में जो है सी इज़ माई डॉक्टर, यहाँ पर फेमिनिन जेंडर के रूप में जो है प्रयोग किया गया है। तो ये सारे ऐसे नाउंस हैं जो कि कॉमन जेंडर के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है, मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग रूल नंबर 11 में आते हैं। रूल नंबर 11 में है जब पालतू जानवरों जैसे कैट्स, डॉग्स, हॉर्स, ETC का प्रयोग मैस्कुलिन जेंडर के नाउंस के रूप में होता है तो इसके लिए प्रोनाउंस ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ तथा पोसेसिव एडजेक्टिव हिज का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम लोग इस चीज़ को समझते हैं, जैसे कि बहुत सारे जानवर होते हैं जो पालतू होते हैं, जिसको हम लोग घर में पालते हैं, जैसे कैट्स हुआ, डॉग हुआ, हॉर्स हुआ, ये सब का प्रयोग मैस्कुलिन जेंडर के नाउन के रूप में होता है, मैस्कुलिन जेंडर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके साथ जो है प्रोनाउंस जो है ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ तथा पोसेसिव एडजेक्टिव हिज का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर योर डॉग हैज़ लॉस्ट हिज आइज, यहाँ पर जो है
पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में जो है यहाँ हिज का प्रयोग किया गया है। अब हम लोग रूल नंबर 12 की ओर आते हैं। रूल नंबर 12 जो है ये रूल नंबर 11 से मिलता जुलता है, जैसे इसमें हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जब पालतू जानवर जैसे कैट, डॉग, हॉर्स इटीसी का प्रयोग फेमिनिन जेंडर के नाउंस के रूप में होता है तो इसके लिए प्रोनाउंस सी हर 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 सेल्फ तथा पोसेसिव एडजेक्टिव हर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू से हम लोग समझते हैं, जैसे आवर हॉर्स हैज लॉस्ट हर सेंस, हमारे घोड़ा जो है अपना सेंस को खो चुका है। तो अगर यहाँ पर पालतू जानवर का प्रयोग फेमिनिन जेंडर के रूप में अगर होता है तो इसके लिए जो है सी हर 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 सेल्फ प्रोनाउंस का प्रयोग किया जाता है तथा पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में जो है हर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो है हर का प्रयोग किया गया है। अब हम लोग रूल नंबर 13 की ओर आते हैं। रूल नंबर 13 में है, जिन शब्दों से शक्ति, विशालता, भयंकरता आदि का बोध हो वह मैस्कुलिन जेंडर की भांति प्रयुक्त होते हैं। जिन शब्दों से किसका पता चले, शक्ति का पता चले, विशालता का पता चले या भयंकरता का पता चले तो वैसे शब्द जो है मैस्कुलिन जेंडर में प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग उदाहरण के थ्रू से समझते हैं, जैसे यहाँ सन है तो सन एक क्या है, शक्तिशाली है या फिर ये विशाल भी है। सन एक क्या है, विशाल है, एक बहुत बड़ा है। उसी तरीके से विंटर, जारा, जारा एक क्या है, भयंकरता है, बहुत ही मतलब जो है पीड़ादायक होता है ना जारा, तो इसीलिए यहाँ एक क्या हो जाएगा, मैस्कुलिन जेंडर हो जाएगा। उसी तरीके से समर है, गर्मी, गर्मी भी एक क्या है, भयंकरता है। जब अधिक गर्मी आ जाती है तो हम लोग सही तरीके से रह नहीं पाते हैं। उसी तरीके से टाइम, समय, समय एक क्या है, विशालता का बोध करा रहा है। इसी तरीके से डेथ, डेथ एक क्या है, मृत्यु, मृत्यु एक भयंकरता है, भयानक है, भयावह है, डरावना है। उसी तरीके से वार, वार भी एक क्या है, भयंकरता है, डरावना है। ओशियन, ओशियन किसका बोध कराता है, विशालता का बोध कराता है, बहुत बड़ा है समुद्र जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही बड़ा होता है ना, ETC। अब हम लोग रूल नंबर 14 की ओर आते हैं। रूल नंबर 14 में है, मेटेरियल नाउन, एबस्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन के शब्द न्यूटे जेंडर के अंतर्गत आते हैं। मेटेरियल नाउन के जितने सारे शब्द हैं, एबस्ट्रैक्ट नाउन के जितने सारे शब्द हैं, कलेक्टिव नाउन के जितने सारे शब्द हैं, ये सारे शब्द जो है किसके अंतर्गत आते हैं, न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आते हैं। तो आज का वीडियो जो है यहाँ पर समाप्त हो रहा है। तो जेंडर टॉपिक को लेकर के और 3 जो वीडियो बनाया गया है उसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब जो है नेक्स्ट वीडियो जो है मैं केस टॉपिक पर बनाऊंगा, कारक। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।